मुझे अभी भी देखकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है यार, पता नहीं इस बेचारे को अचानक क्या हुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दोस्तों बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले इस केज में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बैठा हुआ है सामने बहुत ही प्यारा सा कॉकटेल का बच्चा जी। ये आज ही मटकी से गिरा है, देखें जी कितना खूबसूरत बच्चा है यार। देखें जी, आप सब बताएं कि इसको जी हैंड टेम करें या ना करें। इसके जी मुंह पे बाल लगे वो उतार दें, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है यार। ये आपको दिखाता हूँ जिस मटकी से गिरा है दोस्तों, ये देखो इधर इसका एक भाई और मौजूद है, वो बैठा हुआ है जी। इनमें से ये किसी का बेबी है, इसको वापस रख देते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम हैंड टेम भी ज़रूर करेंगे दोस्तों। बाकी कॉकटेल देखें जी, सब जी ब्रीडिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, जल्द ही इन सब की ब्रीड आने वाली है और इधर बच्चों के ढेर लग जाएंगे जी। इस केज से बाहर चलते हैं और अब दोस्तों इन पैरट्स को मैं डालूंगा दाना और पानी। इनको पानी और दाना डालना है। तुम इधर क्या कर रहे हो भाई? इनके एग देख रहा हूँ, ये देखें इन्होंने एग दिए हुए इस बॉक्स में। क्या अंडे आ भी गए इनके? वाह यार क्या बात है, कितने अंडे हैं? कितने? अच्छा तीन अंडे आए हुए हैं यार। मैंने एक में मतलब आ गया तीन। वाह यार, हाँ बाकी भी देखो यार, ध्यान से देखना कहीं कोई पैरट ना उड़ जाए। बस बाकी ये तुम देखो यार, मैं उधर दाना पानी डाल रहा हूँ पैरट्स को। दोस्तों ये सभी बॉक्स चेक कर लीजिए, किसी बॉक्स में अंडे नहीं है, सिर्फ इसी बॉक्स में अंडे हैं। बाकी चलते हैं, ये मेरा दिल कर रहा है मैं ये सामने वाला जो केज है इनके भी बॉक्स देखूं, किसी ने किसी पेड़ ने एग दे दिए होंगे। बाकी इसमें जाके देखते हैं किस पेड़ ने एग दिए हैं, बाकी जाके इसमें देखते हैं। ये फर्स्ट वाला बॉक्स देखते हैं। ओ तोते उड़ गए भाई, तोते। ओए दरवाजा भी नहीं मैंने बंद किया, ये वाला वो बाहर वाला भी खुला हुआ है, तोते सारे उड़ गए। ओ दरवाजा भी खुला हुआ यार, दरवाजे को पहले बंद करूं मैं। शुक्र है दरवाजा बंद कर दिया। किधर है ये? देखें ये बैठे हुए हैं, वो दो दिन ऊपर उसके गए हुए हैं, वो देखें ये इधर एक बैठा हुआ है। शुक्र भाई तोते उड़ गए हैं, वो सामने वाले मैं केज में गया था। तुमने क्या किया यार, किसने कहा था ये तोते बाहर निकालो यार? मुझे पता नहीं शुक्र है तू बाहर नहीं, कोई निकल के अंदर ही था। मुझे पता ही नहीं है कैसे निकले। तुमने इनको निकाला क्यों था यार? ये देखो ज्यादा लग गया इसके साथ, इसको पकड़ो, इसको मैं पकड़ता हूँ। किधर है? पकड़ो नीचे जल्दी यार, दरवाजा भी खुला होता है, तुम्हें किसने कहा था कि इसको यार ऐसे करो? पकड़ो यार, इसको निकालो जल्दी से यार। ये आ, इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं पकड़ता हूँ। मैंने पकड़ लिया यार, ये मैंने पकड़ लिया। वो भी दरवाजा खुला छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तुम्हें किसने कहा था इनको बाहर निकालो? ये देखो कैसे निकाले हो गए हैं। बस वही मुझे पता नहीं चला। तो देखें उड़ा देना था, अभी बहुत मुश्किल से ये पकड़े हैं। तो आप ना आते ये मुझसे पकड़े नहीं जाने थे, बाहर निकल जाने थे। तो मेरी गैर मौजूदगी में इनसे कोई पंगा ना लिया करो ना। जो बॉक्सेस है ना उसमें अभी अंडे नहीं आए होंगे, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले तो नेस्टिंग में जाना शुरू हुए हैं। जैसे इसमें अंडे आएंगे हम देख लेंगे। उधर देखो अंडे आए थे, तो देखो हमें पता चल गया था कि पैरट्स नेस्टिंग में जा चुके हैं। इधर भी ये देखो अभी नेस्टिंग नीचे कितनी ज्यादा है, कुछ सोचो। ये देखें नीचे कितनी नेस्टिंग अभी पड़ी हुई है, इतने बॉक्सों के ऊपर और बीच में आ जा रही थी। मैंने सुना अपनी एग दी हुई है इन्होंने। चलो यार शुक्र है ये उड़े नहीं है, बच गए हैं। अगर कोई पैरट उड़ जाता तो वो पेयर खराब हो जाना था, क्योंकि इसमें हमारे पूरे 10 पेयर इसमें मौजूद हैं सिर्फ। तो दोस्तों ये देखें जी, वो इनका भी आपको जी जल्द ही देखें जी ब्रीड आएगी और बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। और नीचे ये क्या पैरट मरा हुआ है दोस्तों, ये देखें क्या हो गया है।
देखने मैं खोल के चेक करता हूँ ये क्या हुआ है। ये देखें जी पैरट हमारा एक मर गया है। अली भाई बात सुनो, अली भाई को बुलाते हैं यार। ये पैरट को क्या हुआ यार, पैरट यार देखें यार पैरट मर गया, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसको बाहर निकालते हैं भाई, देखते हैं भाई ये कैसे मर गया पता नहीं। देखिए जरा इसको, मेरे ख्याल से देखिए अगर कोई बीमार भी नहीं था पैरट, ये कैसे मर गया, इसको क्या हुआ, बिल्कुल सही, कोई मसला भी नहीं है कोई, मतलब हो ना कि किसी पीस ने इसको मारा हो। ये देखें यार ये बिल्कुल सही सलामत, ये रिंग देख लें, ये अपने हाथ से रिंग डाला हुआ है हमारा, इतना प्यारा पैरट, कोई इसको मसला भाई। और देखें कोई और पीस तो नहीं एक्सपायर हुआ, और बाकी ठीक है, देखें जरा एक बार और देखें, देखें और तो नहीं कोई पीस इस तरह ठीक नजर आ रहे हैं भाई, देखिए सब ठीक है दूसरे, मुझे तो यार सब सही नजर आ रहे हैं, आप भी एक दफा देखो कि किसी नहीं भाई, वो देखें वो वाला पीस ना उसकी आंख का मसला, वो देखें वो मसला उसकी आंख में मसला है, उसको जरा पकड़ें, पकड़ के देखते हैं क्या मसला हुआ है, देखें जरा मैं देता हूँ सामान में भाई निकाल लें, देखें कानूनी बहुत छोटी सी है जिसकी वजह से बहुत मसला होता है इसके अंदर जाने में भी, तो इसके अंदर रुको मैं जाता हूँ छोटा पकड़ते हैं, देख लेते हैं इसको क्या मसला है, देखें भाई तो आज का मसला है, तो मैं लेके बाहर को आता हूं, तो देखूं क्या हो रहा है, इसकी भी आंख में मसला है कोई, कहीं हमारे शहर में बीमारी तो नहीं आ गई, ये देखो इसकी आंख, इसकी आंख में मसला है भाई, इसको भी ड्रॉप वगैरह डाले इसका, ये अच्छा हुआ बेहतर हुआ कि आपने, आई ड्रॉप किधर है, ये भाई ये पड़े हैं, ये पड़े हुए हैं आई ड्रॉप, अभी इसको पहले भी आई ड्रॉप डाले भाई, ये बेहतर हो गया, चलो ये भाई ये काम तो बड़ा खराब हो रहा है, ये तोते बीमार होना शुरू हो गए हैं, क्या वजह बनी, नहीं नहीं भाई इनके ना प्रॉपर आप नजर रखें इन पे, ये नहीं काम ठीक है, जैक ही ना इधर को आ जाए, नहीं 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 ये नहीं आता जैक, ये तोते को देख रहे हैं जी, इसका क्या करें, इसको अलग रख दें, नहीं नहीं भाई इसको सेपरेट कर दें अभी, उनके साथ ना छोड़ें कि दूसरे ना कि, तोते को दोस्तों अब हम अलग रखेंगे ताकि इसका इन्फेक्शन जो है दूसरों में ना फैले, बिल्कुल सही है, इसमें आप छोड़ेंगे भाई आप, हाँ ये बेहतर है, ये आपने बहुत बेहतर किया भाई, ये बेहतर किया आपने, इसका पानी वगैरह भी चेंज कर देंगे, पहले इसमें एक और पैरेट होता था वो इसमें अब नहीं है, तो ये देखें ये ड्रॉप्स हमने डाल के इसमें छोड़ने लगे हैं भाई, इसको डेली डालेंगे ड्रॉप, कितनी देर में इसको डेली डालेंगे, ये फिर ही सही होगा, बाकी भी एक दफा अली भाई आप देखना अगर कोई पैरेट है तो, नहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं भाई बाकी सब माशाल्लाह ठीक है, मुझे भी कोई नजर नहीं आया, मुझे लगता है इसी की आंखें, हां इसी की थी, अली भाई अब इसका क्या करें यार, इसका भाई इसको दफना देते हैं, इसको दफना दोगे जरा इसको यार, ये काम अली भाई आप करें प्लीज, ये काम आप ही कर सकते हैं, चले चले आज आ जाएंगे, कोशिश बहुत है, आज ही देख लेते हैं भाई, कोई चीज ले लें भाई जिससे ना आप इसको आसानी से दफना सके, उधर से मट्टी भी खोदनी पड़नी है इसको ना, किधर जामिर में दफनाएंगे इसको अली भाई, चलें भाई बाहर भी बहुत जगह है हमारे पास, पर ये देखें जगह ठीक है ना, देखें इधर से कहीं अगर कोई जगह मिल जाए हमें, इधर वैसे पहले भी हमने काफी फिंचें दबाई हैं जो कि मर जाती थी बेचारी, इधर हम दफना देते थे, अली भाई मुझे अभी भी देख कर बड़ा ही अफसोस हो रहा है, इसको अब दफनाना पड़ेगा हमको, बाकी जो दूसरा पैरट है वो कोशिश करें कि वो किसी तरीके से भी बच जाए, जैक देखें जी इधर ही देख रहा है, कहीं ये अली भाई इसको जैक तो नहीं बाहर निकाल लेगा यार, नहीं नहीं भाई इसको नहीं निकाल लेगा, ये देख रहा था अभी यार, नहीं नहीं इस तरह नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा इस तरह, ये आपने अच्छा किया है कि इसको ना पत्तों में लपेट दिया, बहुत अच्छा किया आपने, ये देखें ये देख रहा है, नहीं ये नहीं कुछ करता, ये बड़ा समझदार है, चलें इसको अली भाई इधर दफना देते हैं, बाकी इसकी किस्मत में था पता नहीं इस बेचारे को अचानक क्या हुआ, हालांकि कोई मसला भी नहीं था, पता नहीं भाई समझ नहीं लगी तो क्या हुआ, बाकी ये देखें हाँ जी इसको कवर कर दें ताकि ना जैक को पता ना चले कि ये किधर है, क्योंकि ये इधर ही देख रहा है, कभी नहीं निकालेगा इस तरह नहीं कर, कभी नहीं कर, बाकी ये काम बेहतर कर दिया, बाकी जो नसीब में था बाकी इसको भाई कवर कर दें पत्तों के साथ, तो
ये अब इसको जो हमने अंदर से निकाला था जिसका आहिस्ता थोड़ा सा इशू था, इसको हमने ड्रॉप डाल दिए हैं। बाकी आपने दुआ खैर चलनी है इसके लिए, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी इंशाल्लाह ये आपको बेहतर ही नज़र आएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।